अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सेमरश है, SEO का टूल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको गेस्ट पोस्टिंग, उसके बाद SEO अपनी वेबसाइट के लिए, YouTube चैनल आपका, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च, जो मर्ज़ी आप करना चाहते हैं SEO रिलेटेड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे आके सेमरश लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अभी। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास सेमरश का वो है टूल ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास जो हुआ है ये पेड टूल है, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो आपके पास डेफिनेटली लॉगिन मांगेगा, फ्री टूल होगा। तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को जब लॉगिन कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द यूज़र जो हैं उनको लॉगिन करना आता है, उनका अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो इसमें जो फ़ीचर्स की बात करें, इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। अगर साइट पे हम आएँ, SEO का पूरा हमारे पास डैशबोर्ड पड़ा हुआ है। तो इस SEO डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही वाला पेज रिलोड हो जाएगा, जो कि आपको SEO रिलेटेड चीज़ें शो कर देगा। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें लोड हो जाती हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऊपर 10minuteschool.com सर्च हुआ हुआ है। तो ये टैग है 10minuteschool, तो ये इसके लिहाज से दिखा रहा है। हम यहाँ पे कोई और सर्च कर सकते हैं। इसका अथॉरिटी स्कोर दिखा रहा है। ये जो अथॉरिटी स्कोर है हमारे पास, ये डोमेन अथॉरिटी DA होता है, जो आपको वही होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस वेबसाइट की दिखा रहा है 10minuteschool.com की। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दिखा रहा है, पेड कीवर्ड, और ये सारा कुछ दिखा रहा है। उसके बाद बाकी ये आपके इतने ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। साइट की हेल्थ भी दिखा रहा है कि इसकी 86% हेल्थ है, इसका मतलब है अच्छी साइट है। बाकी आपको रिलेटेड कीवर्ड्स भी साइट पे दिखा देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, इनका वॉल्यूम क्या है और इनकी पोजीशन वगैरह क्या है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो रूट डोमेन है, तो रूट डोमेन मेन डोमेन ही है, हम इसी को रखेंगे। लोकेशन ये फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स का दिखा रहा है, तो आप यहाँ से कोई सी भी लोकेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जिस तरह मैं इधर पाकिस्तान लिखता हूँ तो आप पाकिस्तान में भी इस कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अथॉरिटी स्कोर और ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अभी, और ये सारा कुछ आपको दिखा देगा। इसके बाद आप ऊपर जाके यहाँ से कुछ भी, कोई वेबसाइट भी है वो कर सकते हैं, या क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ पे करेंगे, या यहाँ पे आप ऊपर से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपने डोमेन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपली google.com ही लिख देता हूँ। आपकी जो भी वेबसाइट होगी आपने उसमें लिखना है, और नाम कुछ भी दे देगा, आपने सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पर कर देना है। तो ये जो SEO वाला डैशबोर्ड है ये आपको सिंपली का काम करके देगा जी, आपके सारे डोमेन इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके दे देगा। यहाँ पे डोमेन एनालिटिक्स है हमारे पास, इसमें आप लोगों को सब कुछ बता देगा। ये जी हमारे पास इसकी अथॉरिटी है, सेमरश में जो रैंक कर रहा है 7 नंबर पे, अथॉरिटी स्कोर 100 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बता देगा, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता देगा कि कितने कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिकली इस वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं। और बाकी अगर हम देखें तो ऑन पेज SEO चेकर भी है, यहाँ पे आप इसको सेटअप करेंगे तो ये आपको नीचे आ जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इसकी जो ऑन पेज SEO है वो क्या है। तो ये आपको लोकेशन बताएगा, आपने लोकेशन कहाँ से करनी है, उसके क्रॉलर का बताएगा और आगे शेड्यूल वगैरह बताएगा। तो मैं यूनाइटेड स्टेट करके इसको कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो ये सारा हमें कीवर्ड्स वगैरह और ये सारे आइडियाज़ बताएगा यहाँ पे, और आप इधर से आइडियाज़ को कलेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप इसमें डोमेन ओवरव्यू का साइट पे अगर आप आओ तो ऑप्शन है, आप यहाँ से वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप चेक कर सकते हो सब कुछ। और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डाल के उसका कोई भी वो स्कोर वगैरह उठा सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट है उसको लिख लेता हूँ और उसको चेक कर लेता हूँ। आप बेशक गेस्ट पोस्टिंग में वेबसाइट को चेक करोगे, जिस मर्ज़ी को चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें भी दिखा देता है।
सिंपली इन ये जितने रिजल्ट्स दिखा रहे हैं इनको आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हो, ये ऊपर ऑप्शन है। इसकी भी डोमेन अथॉरिटीज़ ने दिखा दिया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी दिखा देता है और बैक लिंक्स भी दिखा देता है कि इसकी कितनी बैक लिंक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंट्रीज़ में आप लोग सारी कंट्री वाइज ट्रैफिक दिखा देगा ये। उसके बाद आप लोग को टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड बता देगा कि इस वेबसाइट में टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं। आप व्यू डिटेल पे जाके इनकी मज़ीद डिटेल ले सकते हो। इसके बाद ये आपको बताएगा कि इसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कितने यूज़ हुए हैं, नेविगेशनल कितने यूज़ हुए हैं, कमर्शियल या ट्रांजेक्शनल कीवर्ड कितने यूज़ हुए हैं। तो आप इनकी डिटेल देख सकते हो, इनकी परसेंटेज भी देख सकते हो कि एक वेबसाइट में कितने ये परसेंटेज इसकी यूज़ होती है। बाकी आप इसके कंपेटिटर्स देख सकते हो, ये इसके कंपेटिटर्स हैं, इसी तरह की वेबसाइट्स हैं जो इसको कम्पीट कर रही हैं। उसके बाद नीचे आप मज़ीद इसकी डिटेल में, अभी न्यू यूज़र तो डेफिनेटली आपका जाने का फ़ायदा नहीं है। मज़ीद अगर हम इसमें आएँ तो आप लोग को इसमें ट्रैफिक एनालिटिक्स मिल जाएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप इससे भी निकाल सकते हो। ट्रैफिक एनालिटिक्स का आपको ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे जो है कि 100+ वेबसाइट्स की भी ट्रैफिक का एनालाइज कर सकते हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपने निकालनी है किसी वेबसाइट की तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पे तो मैंने ये कर ही दी, तो रूट डोमेन है और सब डोमेन अगर हो तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आप लोग को विजिट्स बता देगा, यूनिक विजिटर, पेज विजिट, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, मतलब लोग कितना आके इस वेबसाइट पे टिकते हैं, बाउंस रेट मतलब वो रेट होता है जब यूज़र वेबसाइट पे आता है और चला जाता है उसके दरमियान जितना टाइम होता है, तो काफ़ी अच्छा है इसका बाउंस रेट वगैरह है। मज़ीद आप लोग को ये बताएंगे कि मोबाइल पे 71% यूज़ होती है और इस पे इस तरह आप अपनी वेबसाइट या किसी चीज़ का भी वो SEO यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इसका ये पेड टूल का मैं दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को फ्री का मैं एंड में बता दूंगा। बाकी यहाँ पे इसके लिए आई थिंक सो हमें मज़ीद $200 पे करने पड़ेंगे ऑडियंस ओवरव्यू देखने के लिए, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है ऑडियंस ओवरव्यू देखने के लिए। बाकी ये चीज़ें आपको पेड में दिखा देगा जो भी आपका प्लान होगा। यहाँ से ऊपर आप ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड है तो यहाँ से आप सिंपली अपनी कंट्री सिलेक्ट करके ट्रैफिक को चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक रिसर्च का इधर साइड पे टैब मिल जाएगा, कीवर्ड गैप का मिल जाएगा, बैक लिंक गैप का मिल जाएगा, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये हमारा कम्पिटिटिव रिसर्च का था कि आपने कंपटीशन वाइज चीज़ें चेक करनी है, या आप गेस्ट पोस्टिंग में आप इसका यूज़ ले सकते हो, आपने डेफिनेटली वेबसाइट का DADR और वो सब कुछ चेक करना होता है। तो इसके बाद आप लोगों ने कीवर्ड की अगर रिसर्च करनी है तो वो भी आपके लिए कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड टूल .io, उसके बाद आपके पास गूगल ट्रेंड्स आ जाता है, मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन कीवर्ड ओवरव्यू आ गया है। कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ से कीवर्ड ओवरव्यू कर सकते हो, कीवर्ड मैजिक टूल है आपके पास, पोजीशन ट्रैकिंग है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक साइट्स हैं। जो पहले तीन हैं ये ज़्यादा आपके लिए काम किए हैं। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी कीवर्ड डालो, इधर आप लिखो गेस्ट पोस्टिंग, तो यहाँ पे हमने गेस्ट पोस्टिंग लिखा है और लोकेशन वो पूछता है कौन सी है, US या कौन सी है, तो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप सिंपली सर्च पे क्लिक कर देते हो, तो ये आप लोग को सिंपली एनालिसिस करके बता देगा इसका वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, पाकिस्तान में कितना इसका वॉल्यूम है, इंडिया में कितना है, क्या क्या, और कैश पर क्लिक मतलब इस पर कितना अर्निंग आपको हो सकती है। इसके बाद कीवर्ड मैजिक टूल आपको मिल जाएगा, ये आपको नीचे आपको देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज़ आपको 1000 नीचे मिल जाएंगे, तो ये जितना आप इसको ख़ुद भी एक्सप्लोर करोगे तो आप लोग को नज़र आ जाएगा। मेन चीज़ यही थी कि आप इसको SEO में जो सेमरश है इसका पेड वर्जन, डेफिनेटली फ्री सरों ने देखा होता है, तो पेड अगर आप लें तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे, तो ये भी आप यहाँ पे आ सकते हो। कीवर्ड मैजिक टूल में आप ऊपर गेस्ट पोस्टिंग मैंने सर्च किया है तो इसमें इंटरनेट अभी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसकी स्पीड बेहतर हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वेबसाइट आई थिंक सो स्लो चल रही है,
उसके बाद अगर मैं साइट पे आपको फ़िलहाल और चीज़ें दिखाऊं तो कीवर्ड मैनेजर है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट्स हैं, बैक लिंक है, आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो और ये सब कुछ। तो ये हमारा लोड हो चुका है, तो इसने आपको गैस पोस्टिंग, गैस पोस्ट, फ्री गैस पोस्टिंग, तो ये आपको इंटेंट भी दिखा रहेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि डेफिनेटली अगर आपने SEO आप लोगों को सही समझ आती है तो ये इंटेंट का मतलब होता है कि कौन सा कीवर्ड है। तो ये हमारे पास आई है, इस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो इसमें ये आपको ये बताएगा, तो यूज़र वांट टू फाइंड आंसर। अब गैस पोस्ट वो लिखेगा तो वो जानना चाहता है कि गैस पोस्टिंग क्या है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशनल है ये भी, अगर फ्री गैस पोस्टिंग है तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, कमर्शियल, वो सीखना चाहता है और फिर इसको यूज़ करना चाहता है। सर्विस भी है, ये कमर्शियल है कीवर्ड, ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, तो इसमें यूज़र गैस बाय गैस पोस्ट ट्रांजेक्शन करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, अभी पैसे देना चाहता है। कमर्शियल हैं ये सारे, ये इंटेंशनल है, इंफॉर्मेशनल है और कमर्शियल है। तो इस तरह आपको ये भी बता देगा, आगे आपको इसका वॉल्यूम बता देगा, ट्रेंड बता देगा, ये ग्राफ आपको बताएगा ये नीचे जा रहा है या ऊपर। उसके बाद डॉलर्स बताएगा, आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कितना आपको डॉलर कमा सकते हैं आप। इसके बाद मज़ीद आपको और चीज़ें भी बता देगा, रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह सब कुछ आपको बताएगा। तो आप ऊपर से लोकेशन को, ऑल लोकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, या अपनी कंट्री की भी लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कीवर्ड मैनेजर आ जाता है साइट पे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट टूल है। कीवर्ड मैनेजर जो है ये आप लोगों के पास जो आता है, इसमें से भी आप देख के काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट बना सकते हैं कीवर्ड्स की, और ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो ये बैक लिंक वाले को आप फिलहाल छोड़ दें, साइट का ऑडिट आप कर सकते हैं, ऑन पेज SEO यहाँ से सारी कर सकते हैं। तो साइट ऑडिट पे अगर हम आ जाते हैं, आप किसी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिसिस या उसको ऑडिट कर सकते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये आप यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्ट का नेम या डोमेन का नेम लिखेंगे तो आपको सारा उसका ऑडिट करके दे देगा वेबसाइट का। यहाँ पे जिस तरह ये सैंपल दिखा रहा है, तो इसमें क्रॉल बता रहा है कि 69% क्रॉलिंग हुई है 100 में से, साइट की हेल्थ कितनी है, एरर्स कितने हैं, वार्निंग्स, क्रॉएबिलिटी मतलब क्रॉलर कितना पढ़ सकता है, 96% पढ़ लेता है, और बाकी सारी चीज़ें आपको SEO रिलेटेड बताएगा। इसके बाद लोकल SEO का नीचे आपके पास ऑप्शन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेड में ऑप्शन मिलेंगे। लोकल SEO आ जाता है, लोकल SEO में आपके पास लिस्टिंग मैनेजमेंट, ये मज़ीद और चीज़ें आती हैं। ऑन पेज SEO चक्कर अगेन आपको मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप आएँ तो आपको एडवर्टाइजमेंट में भी चीज़ें मिलती हैं, इसमें अगेन कीवर्ड मैजिक टूल ये वगैरह आपको मिलते हैं। सोशल मीडिया में आप आएँ तो सोशल डैशबोर्ड, पोस्टर और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कंटेंट मार्केटिंग के लिए रिलेटेड भी आपको टेम्पलेट्स वगैरह ये दे देता है, और बाकी भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है। लेकिन मेन काम ये है कि आप इसको ख़रीद के, ये नहीं कि आप की वेबसाइट है पहले दिन रैंक होने लग जाएंगी, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। तो जो लोग पेड ख़रीदने के नए नए आते हैं फील्ड में और कहते हैं हम पेड ले लें, फ्री से तो कुछ होता ही नहीं है, तो ज़रूरत इतनी इसकी खास उस लिहाज से नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप पैसे देंगे तो आपको अच्छा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बाकी ये प्राइसिंग में आप देख सकते हो जाके, अगर रिसोर्सेज में मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम कंपनी में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। इसके बाद बाकी भी आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड ट्रैफिक अगेन इतनी चीज़ें बता देते हैं कि आप लोगों का इसमें वो सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। उसके बाद हम इसका फ्री वाला वर्जन में यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब खोल के आपको बता देता हूँ, सेमरश को खोल लेते हैं, और ये आपका इस तरह है, फ्री है, तो फ्री टूल है, इसमें आप लोग को इतना कुछ खास नहीं मिलता, बस आप लोगों ने फिर भी आपका काम चल जाता है। यहाँ पे आपने डोमेन एंटर करनी है सिंपली, और ये सिंपली आपसे साइन अप मांगेगा, तो आप लोगों ने किसी भी अकाउंट में इसको लॉगिन कर लेना है। जिस तरह मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ, एक मिनट आपने सब्र करना है, आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज़ आप अपना ईमेल और लॉगिन यहाँ पे कर लोगे तो आपको आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो वाई इट इज़ क्रिएटिंग हर्डल। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू विद गूगल वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो यहाँ पे गूगल पे, सेमरश फ्री टूल्स।
ये भी आप लिख के यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास सिंपली ये 7 दिन का ट्रायल भी आ जाएगा। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो ऐसा क्रेडिट कार्ड आप इसमें लगा सकते हो जिसमें आपके पास बैलेंस ना हो और 7 दिनों बाद आप इसको कैंसिल कर दो। तो मैं इसको कहीं और ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ये 7 दिनों वाला मांग रहा है और गूगल का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं इसको साइन आउट तो नहीं कर सकता अभी, मैं यहाँ पे इसको किसी और से देखता हूँ। तो ये हमारे पास इसने गूगल का ऑप्शन दे दिया है, तो इधर मैं इसको लॉगिन कर लेके लेता हूँ। तो इसका सिंपली यही है, आपने गूगल अकाउंट ही आपको बना होगा, आपने उसी से कर लेना है, लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना। अदरवाइज़ अकाउंट बनाना सबको आना चाहिए, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ करना है, आई नेवर वर्क विद SEO कर दो या कुछ भी कर दो। तो ये आपसे ट्रायल वगैरह मांगेगा, आपने स्किप ट्रायल कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। जो आपका फ्री वर्जन होगा उसका मेन निशानी आपको इधर ऊपर अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, और इसी तरह इस फ्री वर्जन में अगर हम लिखते हैं तो फिर भी आपको ये काफ़ी चीज़ें दे देता है। अब ये जो फ्री वर्जन है इसका मुझे ये आइडिया नहीं है, ये आपको पता नहीं कितनी सर्च अलाउ करता है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ें नहीं बताता, ज़्यादा नहीं बताता। तो आप लोगों को डोमेन ओवरव्यू में ये चीज़ें दे देते हैं, मैं दोनों को साथ साथ खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही आइडिया हो जाए। यहाँ पे ये एक साइड पे फ्री है और एक साइड पे पेड है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये हमारे पास तो यहाँ पे हम इसको आते हैं जी डोमेन ओवरव्यू पे आ जाते हैं और देखते हैं फ्री और इसमें, आपस में आपको डिफरेंस में बता देता हूँ। तो यही डिफरेंस होता है, डोमेन ओवरव्यू आया इधर, हम लिख लेते हैं samfast.com। तो कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये आपस में गलत डाटा दिखाते हैं, मतलब अगर हम फ्री वाला लेते हैं तो हमें गलत डाटा दिखाता है और जो पेड वाला लेते हैं उसमें से हमें सही डाटा मिलता है। तो ये भी आज देख लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो वाकई मुझे तो कुछ ना नज़र आ ही रहा है। जो यहाँ पे देखो दोनों में fast.com है और रूट डोमेन है, डोमेन ओवरव्यू ही है, अथॉरिटी स्कोर तो ठीक दिखाता है ये। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे हमें जो पेड है पेड में 18 मिलियन दिखा रहा है और यहाँ पे 8.5K दिखा रहा है, 853.4K। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स भी यहाँ पे 107 है और इधर 17K हैं। और मज़ीद हमारे पास पोजीशन ट्रैकिंग तो चलो नहीं है, वर्ल्ड वाइड में भी इसके रिज़ल्ट जो है 18.4, 2.2 तकरीबन ठीक ही हैं। तो आपका इसका गुजारा चल जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें ऊंच नीच नहीं होती। ये आपको यहाँ पे कीवर्ड बाय इंटेंट और ये सारा कुछ दिखा रहा है, ये भी आप लोगों को दिखा रहा है। तो ये लेकिन आई थिंक सो कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशन है। ये हमारे पास जो ये वाला है लेफ़्ट साइड पे ये पेड है और राइट साइड पे हमारे पास फ्री वाला है। तो मैं इधर कीवर्ड ओवरव्यू में चला जाता हूँ और इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन हमारा ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से वो पाला पड़ता है। तो इधर भी आपको दोनों चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली गेस्ट पोस्टिंग ही लिख देते हैं और इसको भी इधर सर्च कर देते हैं और इसको भी इधर सर्च कर देते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो निकलता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, जो लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें पेड वर्जन चाहिए या पैसा लगा लेते हैं तो उनका कितना काम फ्री से चल सकता है, तो उसी से चला लें।
तो ये मैं इसको, ये आप देख सकते हो तकरीबन हमारे पास सारे का सारा ही एक्यूरेट डाटा है, सारी चीज़ें दिखा देता है। यहाँ पे नीचे अगर आए हो तो ये भी आप लोग को तकरीबन सारा कुछ बता रहा है। तो इसलिए सेमरश का बाकी जो भी है आप इसको देख लें। और यहाँ पे अगर हम कीवर्ड मैनेजर में आते हैं, ये हमारे पास न्यू आया है, इसका भी मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो इस कीवर्ड मैनेजर में हमारे पास यहाँ पे वही लिस्ट का ऑप्शन है, और अगर आप नीचे आते हैं तो आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो मेन इतना फ़र्क नहीं है, यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ कि अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हमें वो क्या क्या ऑप्शन मज़ीद फ्री में दे देते हैं, लेकिन फ्री से आपका गुजारा चलेगा। मैंने आज आप तो को ये कंपेयर करके भी साथ में दिखा दिया है कि जो हमारे पास टूल है इसका क्या सीन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्ड नंबर आपने डालना है, उसका मंथ CVC नंबर कार्ड के पीछे लिखा होता है, कार्ड होल्डर डालना है। तो इसको 7 दिन के लिए आप फ्री यूज़ कर सकते हो। तो इसके मज़ीद भी आपको फ़ायदे मिलेंगे, डेफिनेटली पेड टूल पेड होता है और फ्री फ्री होता है। तो फ़िलहाल आप फ्री यूज़ करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो करने की, तो आपकी ओवरऑल रिसर्च यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिसर्च में ये हमारे पास जो है ट्रैफिक एनालिसिस में आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि यहाँ पे ये एनालाइज इन बल्क का ऑप्शन है। आप यहाँ पे 100 डोमेन डाल के उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ट्रैफिक रिसर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे उस दूसरे वाले फ्री टूल में भी देख लेता हूँ कि आया कि हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों ने उसी को यूज़ करना है। तो ये हमारा फ्री वर्जन ओपन हो गया है। और यहाँ पे मैं एनालाइज इन बल्क पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास 100 डोमेन का इधर भी ऑप्शन है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे आप उसको उतना सीखोगे। और मज़ीद अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि बाकी भी जितने SEO टूल हैं, अगर जो मेरे पास पेड आते हैं, कंपैरिजन करके आपको दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि इन फ्री और पेड में आप लोगों को क्या फ़र्क है। तो काम अगर आपने शुरू करना है तो डेफ़िनेटली आप फ्री से कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में हम मज़ीद भी सीखेंगे कि हम किस तरह चीज़ों को क्लाइंट हंटिंग और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।